दोस्तों, आज हम लोग रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम को अपने मोबाइल से ही बुक करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल के अंदर गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और उसके सर्च बार में टाइप करेंगे irctc.co.in, लिख कर सर्च कर देंगे। यहाँ मोबाइल के स्क्रीन पे COVID-19 संबंधित एक पॉपअप्स ओपन हुआ है। इस पॉपअप्स को हम ऊपर खिसकाकर उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ पर IRCTC का वेबसाइट ओपन हो गया है। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने मोबाइल को डेस्कटॉप वर्जन में कर लेना है। इसके लिए यहाँ जो 3 डॉट बना है इस पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद इसे हम ऊपर खिसकाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है डेस्कटॉप साइट, इसमें चेक मार्क कर देना है। तो अभी हमारा मोबाइल डेस्कटॉप वर्जन में आ गया है। फिर से हम कोरोना के बैनर को ऊपर खिसकाकर ओके कर देंगे। यहाँ लिखा है IRCTC और इसके बगल में 4 लाइंस बने हैं, इसी 4 लाइंस में क्लिक करना है। तो यहाँ साइड में कुछ मेनू बार ओपन हुआ है, पेज को थोड़ा सा जूम कर लेंगे। तो इस मेनू बार में यहाँ एक ऑप्शन है हॉलीडे, तो इसमें हम क्लिक करेंगे। इसमें 3 ऑप्शन खुल गए हैं, जिसमें से ये लास्ट वाला है स्टे। तो स्टे के बगल में ये जो एरो बना है इस पे हमें क्लिक करना है। तो इसमें भी 2 ऑप्शन खुल गए हैं, जिनमें से ये पहला ऑप्शन है रिटायरिंग रूम, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए IRCTC में रिटायरिंग रूम बुक करने का पेज ओपन हो गया है। पेज को हम थोड़ा ऊपर खिसकाएंगे, देखिए इस तरीके से। तो यार नीचे में लिखा आ रहा है इंटर PNR नंबर, तो यहाँ पर हमें अपने टिकट का PNR नंबर डालकर उसके बाद यहाँ से सर्च कर लेना है। PNR नंबर डालने के बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। तो यदि आपके पास IRCTC का यूजर नेम और पासवर्ड है तो आप यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाइए। लेकिन यदि आपके पास IRCTC का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप क्या करना है, यहाँ दिया है गेस्ट यूजर लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी तथा एक मोबाइल नंबर डाल देंगे। ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो जो PNR नंबर डालकर हमने सर्च किया था, उस ट्रेन का नाम, सोर्स स्टेशन तथा डेट ऑफ जर्नी तथा डिपार्चर टाइम, डेस्टिनेशन स्टेशन तथा अराइविंग डेट और टाइम, ये सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। पेज को हम ऊपर खिसकाएंगे तो यहाँ नीचे में लिखा है रिटायरिंग रूम रिक्वायर्ड एट, फर्स्ट में दिया है सोर्स स्टेशन, नीचे है डेस्टिनेशन स्टेशन। तो आप अपने लिए रिटायरिंग रूम दोनों में से किसी भी स्टेशन पे बुक कर सकते हैं, यानी जिस स्टेशन से आपको ट्रेन पकड़ना है वहाँ पे भी आप रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं, या फिर जिस स्टेशन तक आपको जाना है उस स्टेशन पे भी आप अपने लिए रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमें सोर्स स्टेशन पे अपने लिए रिटायरिंग रूम बुक करना है, तो यहाँ जो लिखा है सिलेक्ट सोर्स, इसके बगल में डाउन एरो है, इस पे हमें क्लिक करना है। हमारा सोर्स स्टेशन है वाराणसी जंक्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो थोड़ा सा पेज लोडिंग होगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा आ गया बुकिंग इज नॉट अलाउड फॉर दिस स्टेशन, यानी हम जिस स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाले हैं उस स्टेशन पे अभी रिटायरिंग रूम बुक नहीं हो रहा है। हमारा जो रेलवे स्टेशन है उसके नज़दीक में ही एक और रेलवे स्टेशन है मड़ुआडीह, इसको सेलेक्ट करके देख लेते हैं, हो सकता है इस स्टेशन पे रिटायरिंग रूम मिल जाए। तो देखिए इस स्टेशन पे भी रिटायरिंग रूम अवेलेबल नहीं है। इस तरह से आप लोग भी चेक कर सकते हैं कि आपके सोर्स स्टेशन या फिर डेस्टिनेशन स्टेशन पे रिटायरिंग रूम अभी बुक हो रहा है या फिर नहीं। अब चलिए देख लेते हैं कि डेस्टिनेशन स्टेशन पे रिटायरिंग रूम अवेलेबल है या फिर नहीं। तो यहाँ लिखा है सिलेक्ट डेस्टिनेशन, इसके बगल में डाउन एरो, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ दिया है अहमदाबाद जंक्शन, तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए हमारे इस डेस्टिनेशन स्टेशन पे रिटायरिंग रूम हम बुक कर सकते हैं।
अभी कोरोना के चलते सभी स्टेशनों पे रिटायनी रूम बुक नहीं हो पा रहा है, तो आप इस तरह से पहले चेक कर लीजिए कि आपके स्टेशन पे रिटायरिंग रूम बुक हो रहा है या फिर नहीं। तो हमने जो यहाँ पे अपना डेस्टिनेशन स्टेशन सेलेक्ट किया है, इस डेस्टिनेशन स्टेशन पे रिटायरिंग रूम बुक हो रहा है, तो यहाँ फर्स्ट में दिया है चेक इन डेट, तो इसमें क्लिक करके जिस भी डेट में हमें इस रूम में चेक इन करना है यानी ठहरना है, उस डेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ 26/9/2021, नीचे दिया है चेक इन टाइम, तो इसमें क्लिक करके यहाँ पे चेक इन टाइम को सेलेक्ट कर लेंगे। मैं करता हूँ 5 बजे का। यहाँ दिया है स्लॉट ड्यूरेशन इन आवर, तो इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ से हम टाइम को सेलेक्ट कर लेंगे कि कितने टाइम के लिए हमें रिटायरिंग रूम बुक करना है, जैसे कि 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा। चलिए मैं यहाँ से 12 घंटे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्लॉट ड्यूरेशन सेलेक्ट करने के बाद नीचे लिखा है बेड टाइप, तो इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ से हम बेड टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, पहला है फैमिली रूम, दूसरा है डिलक्स, अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से करता हूँ फैमिली रूम। यहाँ है एसी स्टेटस, इसमें क्लिक करेंगे। तो देखिए इस स्टेशन पे जो रिटायरिंग रूम है उसमें केवल एसी रूम है, नॉन एसी रूम नहीं है, इसलिए केवल यहाँ पे एसी शो हो रहा है। तो चलिए एसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। पेज को और ऊपर खिसकाएंगे, यहाँ नीचे में पैसेंजर का डिटेल दिया हुआ है, यहाँ दिया है चेक अवेलेबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए आ गया है, चलिए ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारा जर्नी डिटेल शो हो गया है, जैसे कि पीएनआर नंबर, सोर्स स्टेशन, डेस्टिनेशन स्टेशन, ट्रेन नंबर, डिपार्चर डेट और टाइम, अराइवल डेट और टाइम, ये सब दिया हुआ है। पेज को और ऊपर खिसकाएंगे तो यहाँ नीचे में पैसेंजर का डिटेल शो हो रहा है। पेज को और ऊपर खिसकाएंगे, यहाँ दिया है रिजर्वेशन डिटेल, यहाँ है रूम नंबर, बेड टाइप, रूम टाइप, एसी स्टेटस, स्लॉट ड्यूरेशन 12 घंटा, यहाँ देखिए चेकिंग का डेट और टाइम दिया है, चेकआउट का डेट और टाइम है, बेस टेरिफ है 2400 रुपये का, और इस रिटायरिंग रूम में टीवी मिलेगा, एसी मिलेगा। मोर पे यदि हम क्लिक करते हैं तो इसमें और भी क्या क्या मिलेगा ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, इस रिटायरिंग रूम में क्या क्या है ये सब फैसिलिटी आपको इस रूम में मिल जाएंगे। पेज को यदि हम और ऊपर खिसकाते हैं, यहाँ जो चौकोर बॉक्स है इसमें हमें चेक मार्क कर देना है, देखिए इस तरीके से। पेज को और ऊपर खिसकाएंगे तो यहाँ पे रिजर्वेशन डिटेल दिया है कि किस स्टेशन पे हम रिटायरिंग रूम बुक कर रहे हैं, उसका नाम, चेकिंग डेट और टाइम, चेकआउट डेट और टाइम, स्लॉट। अब इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे रिजर्वेशन डिटेल आ गया है। पेज को और ऊपर खिसकाएंगे, यहाँ दिया है जीएसटी जो कि ऑप्शनल है, ऑलरेडी नो है, हम नो पे ही रहने देंगे। यहाँ लिखा है पर्सनल डिटेल, फर्स्ट में टाइटल, तो इसमें क्लिक करेंगे, मिस्टर कर देंगे। इसमें हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देंगे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालने के बाद यहाँ नीचे में ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ दिया है मोबाइल नंबर फॉर एसएमएस, हमारे इसी मोबाइल नंबर पे रिटायरिंग रूम बुक होने का एसएमएस पहुँचेगा, तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर सही सही डालना है। यहाँ से हम स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, नीचे में सिटी का नाम लिख देंगे, एड्रेस है, उसके बाद पिन कोड, यहाँ दिया है आईडी कार्ड, मास्टर पैसेंजर, जितने लोगों का टिकट बुक हुआ है उसमें से जो मास्टर पैसेंजर है यानी जिसका फर्स्ट नाम होगा उसका यहाँ से आईडी टाइप सेलेक्ट करेंगे। जो भी हमारे पास आईडी कार्ड है उस आईडी कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ पैन कार्ड, नीचे में आईडी नंबर डाल देंगे। पेज को और ऊपर खिसकाएंगे, यहाँ लिखा है प्रोसीड, प्रोसीड पे हम क्लिक कर देंगे। रिटायरिंग रूम बुक करने का पूरा समरी आ गया है, पेज को हम ऊपर खिसकाएंगे। एक बार आप अच्छे से चेक कर लीजिए सब कुछ, तो यहाँ पे फेयर डिटेल दिया हुआ है यानी किराया,
रिटायर रूम का किराया है 2400, टोटल अमाउंट हो गया है 2712 रुपया। यहाँ पर इसका टर्म्स एंड कंडीशन है, इस चौकोर बॉक्स में हमें चेक मार्क कर देना है, यहाँ दिया है मेक पेमेंट, इस पे हम क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी दिया है, उन दोनों पे एक एक ओटीपी गया होगा, तो उनमें से किसी भी एक ओटीपी को यहाँ इंटर ओटीपी में डाल देना है। ओटीपी डालकर वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम पेमेंट गेटवे पे आ चुके हैं, पेज को ऊपर खिसकाएंगे, ये है ट्रांजैक्शन आईडी नंबर, ये है टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर पेमेंट करने के कई ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम यूपीआई, वॉलेट, फ़ोनपे, तो इनमें से आपके पास जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इसका पेमेंट फ़ोनपे से करूँगा, इसलिए मैं फ़ोनपे पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद इसे हम इस तरह से टिक कर लेंगे, पे एंड बुक इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे फ़ोन पे का मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ गया है, तो आपके फ़ोन पे में जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी टू लॉगिन इस पर क्लिक कर देंगे। जो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पे 5 अंकों का ओटीपी गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देंगे। ओटीपी डालकर जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिटायरिंग रूम बुक हो जाएगा, उसके बाद वहीं से हम उसका प्रिंट ले लेंगे, और प्रिंट लेकर हमें रेलवे स्टेशन पहुंच जाना है, और अपने साथ में अपना आईडी प्रूफ भी लेके जाना है। जो आईडी प्रूफ हमने यहाँ पे दिया था, जैसे कि हमने यहाँ पे पेन कार्ड दिया है, तो जिसका भी पेन कार्ड हमने आईडी प्रूफ में दिया है उस व्यक्ति का पेन कार्ड तथा रिटायरिंग बुकिंग का प्रिंट आउट, ये दोनों साथ में लेके हमें रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम काउंटर पे चले जाना है, वहाँ पे जाके हमें इसे दे देना है, उसके बाद हम अपने रिटायरिंग रूम का यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों यही तरीका था जिससे कि आप अपनी जर्नी को आरामदायक बनाने के लिए रेलवे स्टेशन पे जो रिटायरिंग रूम मिलता है उसे आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही बुक कर पाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।